अंडरग्राउंड पार्किंग है बेसमेंट, तो दो एरिया को कनेक्ट करती है, हरम को ओल्ड जो बंगाली पाड़ा कहलाता है उससे कनेक्ट करती है। ये मार्केट है, अभी काफ़ी चीज़ें 10 रियाल में है, 2 रियाल में है, काफ़ी अच्छी मार्केट है, वर्थ वॉचिंग है, मनी स्पेंडिंग है, अच्छी अच्छी दुकान है। तो ये हैं मदीने की गलियां जो हम बचपन से सुनते आए कि मदीने में कसदन भटक जाएंगे, तो अल्लाह का नूर है यहाँ पे, और वो सामने हरम दिखाई दे रहा है, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इब्राहिम व अला मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद ومدك مبارك تحلى الله حليب إنك حميد مجيد تو بیسکلی بہت مزہ آ رہا ہے مدینہ کی گلیوں میں گھومنے کا تو اصل میں ہم لوگوں کا پروگرام تھا عشاء یہی پڑھنے کا لیکن انفارچونیٹلی بچوں کے ساتھ رکتے رکاتے کافی ٹائم لگ گیا تو ہم جمعہ نہیں ادا کر سکے तो हम खैर अब आ गए, अभी रात के 11 बज रहे हैं, तो मैं होटल में इन लोगों को छोड़ के मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा कि कम से कम हरम में जाके कम से कम नमाज ही अदा कर ली जाए, तो बस मैं अब जा रहा हूँ हरम। और ये इस वक्त इतना अच्छा मौसम हो रहा है, कोई जैकेट नहीं पहनी हुई, कोई ठंडक नहीं महसूस हो रही, और भीनी भीनी हवा चल रही है, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो रहा है यहाँ का भी। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम या रहमतुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा शॉर्ट ट्रिप था हमारा, और बस एकदम से प्रोग्राम बना के नहीं जाना है, तो बस ये हुआ कि उम्रा करने की पूरी स्टोरी है उम्रे के पीछे भी, वो जो हम एक दफ़ा गए और रश की वजह से वापस आना पड़ा बच्चों की वजह से, तो मैं कभी और बताऊंगा, लेकिन बाहर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये रहा सामने वो मंज़र, ये रूप, मतलब रूप परवर मंज़र कहलाता है, जो कहलाता है, मतलब मैं आपको इस वक्त फीलिंग अपनी बयान नहीं कर सकता, मेरे रोंगटे हाथों के खड़े हो रहे हैं, ये गलियाँ और ये जगहें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के रसूल का घर है, और हम यहाँ नमाज अदा करेंगे जल्दी से अपनी इशा की, और उसके बाद फिर वापस जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, इंशाल्लाह फजर में उठ के दोबारा आएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हम आ गए
मस्जिद नबी। इस वक्त जो सुकून है ना, उसका वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम भी खुशगवार है और अभी बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है, और बच्चों को इस वक्त लेकर आने का मूड था मेरा, लेकिन इस वक्त वो इतना थक गए ट्रैवलिंग करके, वो तो तैयार थे। मैंने कहा चलो सारा चलें, तो शी वॉज़ रेडी, पर आई सेड नहीं, इट इज़ बेटर टू स्टे। तुम आराम करो और फिर तुम्हें फजर में लेके चलेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह वहाँ जमात हो रही है, हम जल्दी से वज़ू करते हैं और इस जमात में शामिल होते हैं। जब तक हम वज़ू करें, अल्लाह करे इनकी जमात चलती रहे, तो अच्छा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जमात का भी इंतज़ाम हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें हम वज़ू खाने जाते हैं, वज़ू करके आते हैं और फिर यहाँ से नमाज़ कंटिन्यू करते हैं इनके साथ। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी नमाज अदा कर ली। वहाँ पे उन्होंने एक रकत पढ़ाई थी, जब हम पहुँच गए थे तो हमारी नमाज नहीं निकली, एक रकत निकली और हमने बाकी अदा कर ली। खैर ये गिफ्ट शॉप है यहाँ पे, गेट नंबर 21-22 से निकलती, ये सामने ही गेट नंबर 21-22 है। तो ये अल मुनव्वरा के नाम से दो शॉप्स हैं, ये बड़ी अच्छी शॉप्स हैं। यहाँ थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है लेकिन अच्छी क्वालिटी की बेहतरीन चीज़ मिलती है। तो बस ये दिल चाहता है कि इंसान जो है ना वो मदीना की गलियों में घूमता रहे। मैं अम्मी को अपनी बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरी अम्मी जब भी मेरे साथ आती हैं तो मैं, खैर इस दफ़ा मैं अपनी बहन के साथ आया हूँ और बड़ी बहन है मेरी, लेकिन मैं वाकई अपनी अम्मी को बहुत मिस कर रहा हूँ। मतलब जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मुकाम पे मुझे अपनी अम्मी याद आ रही है। तो आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट वर्ड्स, लाइक आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ इन वर्ड्स कि यार मैं क्या फील कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मैं मिस कर रहा हूँ अपनी अम्मी को। तो देखें यहाँ पे हर नेशनैलिटी का बंदा है, तुर्किश है, इजिप्शियन है, सऊदी है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है और भी पता नहीं कितनी अनगिनत नेशनल उज़्बेक लोग होते हैं यहाँ पे, इंडोनेशियन है, थाईलैंड के हैं और कितने ही अनगिनत है लोग हैं जो यहाँ पे हैं। तो देखें अल्लाह ताला राज़िक है कैसे लोगों को रिस्क मिल रहा है और कैसे, मतलब मतलब यहाँ मैं देखता हूँ जैसे हर दुकान है सजीवी और रश है और लोग बेपनाह ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पे बरकत है, ये मतलब यहाँ की शॉपिंग में बरकत लगती है मुझको। हम भी आते हैं, हम भी बहुत कुछ ख़रीद के जाते हैं हमेशा यहाँ से, और ये वो लोग हैं जिनका बुलावा है बाकायदा, मतलब बिल्कुल लग रहा है ये बंदा जुनैद जमशेद खड़ा है दूर से। तो खैर अल्लाह का बुलावा है जिनका, वही लोग यहाँ आते हैं। इन्होंने कुछ फ़ोटो फ्रेम बनाया है, ये क्या करा है, यहाँ पे लोग तस्वीर खिंचवा रहे हैं। माशाल्लाह, तो ये लेडी हट जाए फिर मैं दिखाता हूँ। तो बेसिकली इन्होंने ये फ़ोटो फ्रेम बनाया है और ये फ़ोटो फ्रेम यहाँ खड़े कर तस्वीर खिंचवाएंगे। वाओ यार क्या फ्रेम बनाया, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छा बनाया भाई इन्होंने। आई विश आई हैव टाइम, मैं ये बस एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं आज से तकरीबन 5 साल पहले बैठा था, मैं और मेरी मिसेस, तो जब कोई बच्चे बच्चे नहीं थे हमारे, लेकिन बड़ा मज़ा आता है इसमें। ये 12 ज़ियारतों पे लेके जाती है और 24 आवर्स के लिए होती है। तो
कि बड़ी अच्छी सर्विस है ये। और मेरे ख्याल से इसका टिकट उस वक्त 80 रियाल था, करंट मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा फ़र्क नहीं आया होगा, हो सकता 80 ही हो या उससे बढ़ गया हो, लेकिन बहरहाल उस वक्त 80 रियाल था एक बंदे का, और 24 घंटे के लिए आपको जब दिल चाहे वेर एवर यू वाना गो यू कैन गो बारह मुकाम पे। अरे वाह भाई, वेरी गुड, देयर इज अनदर फ्रेम, ओहो वाह, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। दिल नहीं चाह रहा मेरा वापस कि मैं होटल जाऊं, लेकिन बहरहाल शॉर्टेज है टाइम की, सुबह फजर में नमाज़ पढ़ के निकलना है, तो एक रात की नींद ज़रूरी है लेना, तो ये भी अच्छा है। एक सेकंड में ज़रा खींचूँ इसके पीछे, वाओ आना अलमदीना वाओ, लेकिन वो वाला फिल्म ज़्यादा अच्छा था, लेकिन खैर ये भी अच्छा है माशाल्लाह। ये कोई होटल कंस्ट्रक्ट हो रहा है यहाँ पे माशाल्लाह, रमज़ान तक हो सकता है ये तैयार भी हो जाए, क्योंकि ओनली फिनिशिंग रह गई है, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर क्या था। अरे वाह, काफ़ी दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं आया हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी नई चीज़ें, काफ़ी नई अट्रैक्शन दिखाई दे रही हैं, ये सब नहीं था यहाँ पे पहले, मेरी नज़र से नहीं आया तो गुज़रा, या शायद अभी लगा है ये सब कुछ, लेकिन बहरहाल नहीं भाई, ये ज़्यादा चीज़ें अभी शुरू हुई हैं, मेरे ख़्याल से पहले नहीं थी सब। आई लव मदीना का देखें, वहाँ एक शॉप है आई लव मदीना, और ये डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, इन्होंने डिफरेंट कॉफ़ी शॉप्स बनाई हैं, अच्छा इंतज़ाम है बैठने का, और ये तो खैर आपका फेमस एरिया है ही। चलें भाई, हम बहुत आगे आ गए घूमते घुमाते, माशाल्लाह मदीना की बिल्ली। ये देखिए, चलें बस अब हम वापस जाते हैं अपने रूम की तरफ, जाके सोएंगे, होटल जाएंगे वापस, और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं फजर में, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थकन मेरे चेहरे पे नज़र आ रही होगी, और मिलते हैं इंशाल्लाह, मसलामा शबा खैर।